तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो आम खाने जा रही हूँ। अरे ये देसी आम भैया, बहुत बढ़िया सीकर है। इधर की लाइट जला दो, ये वाली लाइट जला दो। ये सीकर है, सीकर सीकर क्या होता है? देसी ना सीकर। अरे वही देसी जो छोटे छोटे होते हैं, देसी आम जो मतलब वह होते है ना सीकर, एक बोला था जो चुआ थी वो पक करके ही चुआ थी देसी आम। हाँ तो वही देसी आम ना। हाँ वही वाली। हाँ वही को बोला सीकर। हाँ ये इंस्टाग्राम से जो जो कपड़े आ जाते हैं ना बड़े अनकंफर्ट लगते हैं पहनने। नहीं वैसे सुंदर लग रहा है ड्रेस, मानो या ना मानो तुमको लगता है कि तुमको वो अनकंफर्ट लग रहा है, लेकिन है ही सुंदर। पता है ऐसे ड्रेस नहीं पहनते ना, इसलिए हमको अनकंफर्ट लग रहा है। नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ये देखो अच्छा लग रहा है। हाँ सही कह रहे हो। चलो तुम जाओ अपना काम करो। इंस्टाग्राम पराठा वराठा सेक देना तुम मेरे लिए। आवाज बनाने तेजस जुटे हैं तो फिर इनका तेजस के लिए कहा कि यार ये कच्चे हैं कुछ। हाँ कच्चा है ना बड़का, खाओ ना जो इतने है गाँव वाले आम है। देखो देखियो देखे अब आई तो सब गार हल बीते रहे। आम ढूंढ रहे हैं ये देखो, प्रीत को देखो, ये आटा रखे देखो पूरा आटा खराब हो गया। इसको निकाल दियो तो ये ऐसे रखें तो खराब तो हो ही जाएगा। तुम यार चलो आज जैसे नौके पहले पहले दिन खाना बनाए ना इका इतना तैयारी से बन रहा है समझो। तो प्याज टमाटर वमाटर सब काट चुके हो बेटा, बिस्तर में बैठ के ना काटो। ये ये वो कौन सी कहावत दुलाई ने उसको कौन सी कत्ता कहावत बोलते हैं इसको? वो कौन सा सौखियात तो ऐसे कुछ करके है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही वाला हाल इनके है। माँ ले प्याज काटनी, मम्मी आज मैं बनाऊंगा खाना ये है वो है। सही बात, तुमका आराम है, तुम आम खाओ आराम से है ना। कच्चे आम सब लेके आओ यार, सब सारे गले आम जितना सब खा लियो। यही मोटाई यही तो मोटाते नहीं हमने अपनी जिंदगी में ना आम की चोरी जबरदस्त की अपनी नानी के घर। गलगला है आम खाए ना कच्चे ना तुम लेते रहो। पेड़ पर चढ़ाती थी, मतलब मैं पेड़ पर चढ़ने बड़ी उस्ताद थी, तो किसी का भी आम का पेड़ हो चाहे मेरे अपने सगे मतलब अपने नाना जी का नहीं, मेरे चचेरों चढ़े नाना जी के भी, मैं भी मैं चढ़ के और भाई कहीं पर भी बस आम फरा रहा है मैं चढ़ के। अच्छा तुम बता ना आज तुम ये भी बता दो अपनी वाली बात जो वहाँ वाला तुम आम चोरी की थी बताओ। मैं भयंकर आम चोरी कर सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा सबको। मैं जब इंटर कॉलेज में थी तो मेरे स्कूल में एक अमरूद का पेड़ था, तो वहाँ पे मैम उसको मतलब मैम की बाउंड्री के अंदर था, तो बाउंड्री से बाहर निकलता था, तो हम लोग गए हम मतलब स्पोर्ट्स में थे तो वो लटका रहता था, मैं लोग जाकर उछल उछल के हम तोड़ लेते थे आम अमरूद। और उसके बाद मैम कहे यहाँ जाने कौन बेहूदी लड़की आ जाती है मेरी अमरूद ही तोड़ लेती है, और मैं कौन बताया कि मैं ही तोड़ के खाई थी। तुम स्पोर्ट्स में रहती थी ग्राउंड में, तुम्हारी दुआ लगा तुम ग्राउंड में रहा तो मसक देते रहो आम आम ना अमरूद अमरूद। बहुत मजा आती है, बचपन में बहुत शरारती थी, चोर टाइप की थी तुम ना। चोरी करते हैं आप लोग भी, कभी चोरी की होगी है, खाली यही चोरी। चोरी नहीं कहते, से बचपना कहते हैं। बताओ, एक आम इतना बड़ा कर चुरा लिया, एक अमरूद चोरी कितनी बड़ाई होगी। अरे यही के लिए दूर से चले वाह रोक रोक आ रहे ना आ रहे वह चुराइश नहीं चिल्ला करते मालिक जो हाथ पेड़ के तुम लोग भागे तो सब छोड़ छोड़ के कोई देख ही नहीं पाता था। वैसे तुम कांड खूब किए हो तुम अभी पे फल लगे ना इस टाइप के जीवे, मतलब वो उसका जो फल चोरी वाला फल होता था उसका स्वाद ना वैसे 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 खेत से हमो खीरा और खरबूजा खूब चुराए थे। और सुनो मैं आम चुरा के ए क्या कर रहे हो? प्लेट गिरा रहे हैं क्या बताओ? मैं आम चुरा के भूसे में डाल देती थी। काहे में? भूसा में। अच्छा अच्छा जो गाय का खाना होता है ना भूसा भूसे में डाल देती थी और सरक के नीचे चला जाता रहा। यो तो वो था यहाँ मैं नहीं जानती थी ना बचपन में, ये तो अभी मैं जल्दी में जा ली। जल्दी नहीं हमको तो पता है रहा ना भूसा जैसे आदमी निकाला करते हैं तो सरकर नीचे चले जाते फिर बाद में मिलते नहीं ना फिर सर जाते हैं। हम सोचते हैं कोई मेरे भूसे से चुरा के खा लिया भूसा चुराएगा तो सही है। यही पर तुम्हारा सेहत फिगर का राज यही है तुम्हारा। ए यार लाओ कोई चीज इसको रखे गुठली उठली ले आओ। ए मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम नहीं लेंगे, वो उसको आम बिल्कुल पसंद नहीं, वो कहती मुझे आम खाना इसलिए पसंद नहीं क्योंकि लोग ऐसे ऐसे करके चूसते हैं आम।
तो वो जो भी फ्रेंड्स होंगी, अगर आप लोग वो फ्रेंड्स सुन रही होंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो वो बताएंगी कमेंट करके, जान जाएगी कि मुझे को सृष्टिया कह रही है अभी व्हाट्सएप करके मुझे गाली देना शुरू कर दी। फ्रेंड है प्लीज कमेंट करके बताना अगर मेरी वीडियोस आप तक पहुंचेगी तो वो बताना। वो देख रही होगी फिर अभी फोन करेगी कि सृष्टि तुमने मुझे सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे बोला, ये तुम आम को तुमको आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इनको बिल्कुल आम पसंद है भयंकर तरीके से। जब वो कहेगी मुझे आम पसंद है, मैं गुस्सा में, तुमको आम नहीं पसंद, आम जैसा फल तुमको नहीं पसंद है, नहीं मुझे नहीं पसंद है। हचेड़ू